भजन संहिता अध्याय 109। भजन संहिता अध्याय 109। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रह, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं और उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मुझसे विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के पलटे में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले में मुझसे बैर किया है। तू उनको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उनकी दहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप की नहीं जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उसके लड़के बाले अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेशी उसकी कमाई को लूट ले। कोई न हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह न करे। उसका वंश नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में से उसका नाम मिट जाए और उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सन्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्री को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मनवालों के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने में प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, सो आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र की नाई पहनता था और वह उसके पेट में जल की नाई और उसकी हड्डियों में तेल की नाई समा गया। वह उसके लिए उड़ने का काम दे और फेटे की नाई उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, सो तू मुझे छुड़ाकर दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्री हूं और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया की नाई जाता रहा हूं। मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूं। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए हैं और मुझ में चर्मी न रहने से मैं सूख गया हूं। और तेरी तो उन लोगों से नामधराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहे परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को तू अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कम्बल की नाई ओढ़े। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की दहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको घात करने वाले न्यायियों से बचाए।